देखो तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो मतलब क्या? सिंपल सी बात है, जिसमें कुछ रोटेशन हो। रोटेशन हो मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी हो। रोटेशनल रोटेशन जो है वो किससे डिफाइन होता है? एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहो तो क्या दे सकते हो? फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल हैव सम नेट एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज रोटेशनल। अभी जो रोटेशनल लिखा ना, तो ई रोटेशनल आपको समझ में आ जाएगा। पर सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल बताओ, व्हील इन रिवर। किसी भी चक्के को, व्हील को रिवर में रख दोगे ना, पक्की बात है ज्यादा या कम घूमेगा। पूछो कैसे? कैसे घूमेगा? ही सीधा नहीं जाएगा बिना घूमे, घूमेगा ही। यस घूमेगा। क्यों? क्योंकि रिवर की बात करें ना, तो रिवर जो है ना उसका फ्लो जो है वो हर जगह इक्वल नहीं होता। मिडल रीजन में ज्यादा होगा, बैंक पे कम होगा। आप समझ रहे हो मतलब क्या? मतलब आपने व्हील ऐसे रखा तो यहाँ से फ्लो ज्यादा होगा, यहाँ से कम होगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? टॉर्क लगाएगा, यानी घूमने लग जाएगा। तो इसमें आप कौन सा एग्जांपल दे सकते हो? ई रोटेशनल में रोटेशन नहीं हो, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा? नहीं, स्ट्रीमलाइन में नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी हर जगह कैसी होती है? इक्वल होती है। ऐसा नहीं कह सकते हो आप, तो मैं यहाँ रिवर लिख दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कह सकते हो व्हील इन रिवर रोटेशनल। इफ व्हील, अगर व्हील को निकाल लिया तो वो ऐसा नहीं होता है, वो फ्लो का टाइप देना है हमें। आप समझ रहे हो? रिवर फ्लो जो है वो अनस्टेडी है और रोटेशनल भी होता है। आप समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि व्हील रखने पे वो रोटेशनल हो गया, व्हील निकालने पे ही रोटेशनल, ऐसा नहीं होता। अच्छा, विस्कस किसे कहते हैं? तो विस्कोसिटी आप जानते हो शायद, थिकनेस ऑफ लिक्विड है ना। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लूइड लिखेंगे हम, क्योंकि हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, इन विच कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज हाई। जिसमें क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है तो वो हमें पढ़ना है, पर नॉर्मल बात करें तो थिक। जैसे इसमें एग्जांपल देना हो तो क्या दे सकते हैं? फ्लो फ्लो ऑयल, हनी, टार, ये सब क्या है? विस्कस फ्लो। तो नॉन विस्कस क्या हो जाएगा? यस वाटर, केरोसिन, है ना, किसका? मिल्क। हाँ मिल्क कह सकते हैं, है ना। अच्छा आगे कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल किसे कहो? Density, मतलब क्या? The flow of fluid in which density of fluid is constant, it is known as compressible नहीं incompressible density। अगर constant है तो वो क्या हो जाएगा? Incompressible density, density changes, then it is compressible। Compress होना चाहिए। Compress होना मतलब क्या? मतलब डेंसिटी चेंज होना, क्योंकि कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, है ना। तो ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो?
जो कंप्रेसिबल हो, फ्लो ऑफ एयर का फ्लो है वो कंप्रेसिबल ही होता है। तो इनकंप्रेसिबल क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ देन टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो किसे कहेंगे, लास्ट टाइप है टर्बुलेंट, द फ्लो इन विच वेलोसिटी चेंजेस इरेगुलरली और नॉन यूनिफॉर्मली। इसका मीनिंग समझो, ज्यादातर बच्चे हैं ना वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी नॉट कॉन्स्टेंट, है ना। पर इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, इसमें क्या है नहीं नहीं बढ़ती बढ़ती घटने लगती है, आप समझ रहे हो। जैसे इसमें एग्जांपल देने लेने जाए ना, तो टाइड सिनेप्स, टाइड सिनेप्स कैसे, तो आप जानते हो कि जब ये वाटर आता है ना ओशन पर, बैंक पे आता है, तो वहां बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, क्या होगा, कोलाइड होगा, फिर वापस जाएगा। जब आ रहा था तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, जैसे ही कोलाइड हुआ वापस गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, इंक्रीज होने लगी, कब क्या होगा पता नहीं, टर्बुलेंट। आप समझ रहे हो, जब सपोज मान लो कि आप स्लोप पे वाटर को रख देते हो, फ्लो करवा रहे हो, और थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, कम अमाउंट में है तो क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में है तो क्या होगा, अनस्टेडी हो जाएगा, क्योंकि आपने जितना अमाउंट डाला उसके बाद जो अमाउंट होगा वो ज्यादा अमाउंट होगा, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो ज्यादा अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट भी उसे पुश करेगा और वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब पहले की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी में क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो। जबकि टर्बुलेंट में क्या होता है, कोई डिसाइडेड नहीं है, कब क्या होगा पता नहीं, देन इट इज टर्बुलेंट फ्लो। इज इट क्लियर बेटा। नाउ स्ट्रीमलाइन फ्लो, नाउ वी डिस्कस स्ट्रीमलाइन फ्लो। वैसे देखे ना तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्टेडी फ्लो दोनों सेम ही है, तो प्रॉब्लम क्या है दूसरी बार पढ़ने का, स्टेडी फ्लो जो है वो फ्लो के टाइप में आता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना वो फ्लो के टाइप में नहीं आता है। आपने देखा मैंने लिखा यहाँ फ्लो, फ्लो 9 टाइप लिखे, ये 10th जो है वो, ये 10th है उसमें लिखा फ्लो पर टाइप में कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो टाइप तो आ चुका है स्टेडी फ्लो, आप समझ रहे हो। तो स्ट्रीमलाइन क्यों एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि इसमें हमें पाथ को डिस्कस करना है, इसमें हम किसको डिस्कस कर रहे थे, फ्लो को डिस्कस कर रहे थे, इसमें किसको डिस्कस करेंगे, पाथ को। स्ट्रीमलाइन फ्लो डेफिनेशन दे तो, द फ्लो इन विच पाथ ऑफ फ्लूइड एस constant is known as streamline flow and such path are known as streamline। इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइंस। किसे स्ट्रीमलाइंस कहेंगे, फ्लूइड फ्लो के जो पाथ होंगे ना, इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रीमलाइंस। ये सारी स्ट्रीमलाइंस हैं, आप समझ रहे हो। एंड बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन, ये क्या ले लिया मैंने, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर नोन एज ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या कहेंगे उसे, ट्यूब ऑफ फ्लो। किसे कहेंगे, सिंपल बात है बेटा, हम कभी भी कहीं भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा कि भाई अभी हम पानी जो है वो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं कि प्लास्टिक ट्यूब,
हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं, ट्यूब पाइप है ना, वो नहीं यूज कर सकते। वो पाइप जो है वो क्या है, वो ट्यूब ऑफ फ्लो है। अब ये स्ट्रीम लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रीम लाइन्स कैसी होती है, तो याद रखेंगे बेटा स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी गेट टू टेंजेंट विच शोज टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। और वो पॉसिबल नहीं, एक पार्टिकल आया दो डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप समझ रहे हो। दैट मीन्स स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी गेट टू टेंजेंट विच शोज टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट इट इज नॉट पॉसिबल। बाकी इसका पाथ स्टेशनरी होता है वो तो आपको पता ही है, क्लियर है, कॉपी कर लो।